हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्रिक 1 लीटर माइलेज टेस्ट। और आज है हमारे पास द TVS एनटॉर्क रेस XP। अब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया है इसका। तो चलिए देखते हैं इस परफॉर्मेंस इंक्रीज़ के अलावा माइलेज ये कितना देती है सिटी राइडिंग कंडीशंस में, व्हाट माइलेज यू कैन एक्सपेक्ट। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्रिक को और शुरू करते हैं ये माइलेज टेस्ट। मैंने इसके टैंक को फुल कर दिया है और सिटी में इसे चलाऊँगा और देखेंगे कि 1 लीटर में लगभग ये कितना माइलेज दे सकती है। So without wasting any time, keep watching.
तो दोस्तों रेस एक्सपी को मैंने 50 किलोमीटर चलाया है और टैंक को जब रीफिल किया तो 1.04 लीटर्स फिट हुआ है एट द सेम लेवल जिससे मैंने स्टार्ट किया था। इसका मतलब यह है कि इसने 48 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे दोनों ही मोड्स में चलाया, स्ट्रीट और रेस मोड में। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रीट मोड में चलाया, लेकिन हाईवे पे मैंने कुछ ओकेशंस पे मैं 90 के ऊपर भी गया इसे लेके इन द रेस मोड। और ये जो माइलेज मुझे मिला है ये दोनों ही मिक्स कंडीशंस में मिला है। मेरे हिसाब से माइलेज ओके है, थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। अगर आप इसे और आराम से चलाएं, लाइट एक्सेलरेशन से चलाएं, लाइट ब्रेकिंग करें, तो आपको ये 52 या उससे ज़्यादा का भी माइलेज ये स्कूटर दे देगी। तो आप हमें कमेंट से बताइए आपको एनटॉर्क रेस एक्सपी का ये माइलेज कैसा लग रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियरफ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और 1 लीटर माइलेज टेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।